दोस्तों मेवात इलाके के नांगल मुबारकपुर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि सड़क हादसे में शारमीना नाम की महिला की मौत हो गई। दरअसल मुफीद जो कि अपनी बहन शारमीना को अपने गांव से नगीना की मार्केट ले जा रहा था, तभी नांगल मुबारकपुर गांव और मांडीखेड़ा गांव के बीच बने एक कारखाने के पीछे से तेज रफ्तार में कार आती है जो कि उनकी बाइक में टक्कर मार देती है। इस दौरान शारमीना नाम की जो महिला है वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। आनन फानन में उसे मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए अलवर के लिए रेफर करवा दिया जाता है, जहां पर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद नगीना पुलिस कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप देती है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। नगीना थाने में कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, इसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 8:30 बजे नांगल मुबारकपुर गांव का मुफीद पुत्र अयूब अपनी बहन शारमीना को लेकर नगीना जा रहा था। अचानक नांगल मुबारकपुर कारखाने के पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, इसमें उनकी बहन बुरी तरीके से घायल हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया। घायल शारमीना को जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां से चिकित्सक ने घायल महिला को रेफर कर दिया। अलवर के एक निजी अस्पताल में शारमीना की मृत्यु हो गई। नगीना पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मुफीद ने बताया कि शारमीना के पति की मृत्यु कई साल पहले हादसे में हो गई थी। उनका एक 11 साल का बेटा है। जांच अधिकारी राजवीर ने बताया कि मुफीद गांव नांगल मुबारकपुर की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।